आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डर शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। तो डेसिमल मतलब हिंदी में बोलते हैं दशमलव। तो जैसे हम पॉइंट की बात करें, इसमें कुछ हम पॉइंट करेंगे। जैसे एक सेंटीमीटर में हमारे पास 100 मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और जो बात करेंगे जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे मैंने 3/2 लिखा है, 3.2, तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा मेरा 10, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद कितने वैल्यू है, 1, तो 32/10। आप 2 से काटते हैं, 2 × 5 = 10 और 2 × 16, तो 16/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और इसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे हम यहाँ से छोड़ देते हैं अभी, जैसे बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में 1, 10 और 100, ठीक है। तो इकाई मतलब पहला नंबर, दहाई मतलब सेकंड नंबर, 100 मतलब तीसरा नंबर। और टेंथ की बात करें तो जो नंबर हमारे पॉइंट में स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम टेंथ की बात करते हैं कि वो टेंथ है, ठीक है। जैसे 1/10। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए कभी बोलते हैं, तो डेसिमल में चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे 9/7 लिखा है, तो 9 को 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7×1 = 7, 7×2 = हमने पॉइंट लगाया, 7×2 = 14 और 7×4 = 56, ठीक है। तो जो 1.28 आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल में चेंज करना। किस में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना। नेक्स्ट आगे है 3+3/10। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 3 लिखा है, 3 का 3 लिख देंगे और 3/10 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0.3। तो करने का तरीका क्या होता है, 3.3 ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप सिंपल याद रखना, जिसको हम अगर दशांश या टेंथ में आ जाएगी उसको हम पॉइंट के बाद लिखते हैं, ठीक है। लाइक 300, 205 प्लस में 1/10 प्लस 2/100, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको इन तीनों को हमने प्लस करा, 325। अब जब अपॉन में आ जाएंगे, तो जैसे 1 लिख दिया उसके बाद 2 लिख दिया। अब सेम इसकी तरह क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चलना चाहिए, 10, 100, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 40 प्लस में 5/1000 है, ठीक है। तो 40 का मैं 40 लिख दूंगी, पॉइंट लगाऊंगी। आप देखो ना, तो हमारे पास वहाँ एक 10 की 10 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए, फिर 1000 आना चाहिए। तो मैंने 10 की 0 लगाई, 1000 की 0 लगाई, फिर 5 लिखा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो इसमें हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। लिखा, निम्न के लिए सारणी में संख्याएं लिखिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर एज द गिवन द टेबल। तो देखो ये हमें दे रखा है इकाई, मतलब ए की वैल्यू है। ये दहाई, दहाई कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है। और दशांश में कितनी, 1 और 2, ये क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दशांश में हमें 1, 2, 3, 4 वैल्यू दे रखी है, दहाई में हमें 1 दे रखी है, सैकड़े में भी हमें 1 दे रखी है। तो देखो हमें इसमें टेबल बनाया, हमने सबसे पहले एक ऊपर लिखा सैकड़ा, मतलब यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1, 10 और 100। और ये क्या है हमारा दशांश। ये आपको एक ऐसा टेबल आपकी बुक में मिल जाएगा, उसको सिर्फ हमें फिल करना है। तो यहाँ देखते हैं, लिखा था दशांश 2 है, तो मैं दशांश की जगह 2 लिख दूंगी, इकाई की जगह 1 है तो मैं 1 लिख दूंगी, है ना। और दहाई की जगह कितनी वैल्यू, 3, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, 3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में दशांश कितने मेरे पास, 4, तो यहाँ 4 लिखूंगी, इकाई है नहीं मेरे पास इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया है, दहाई 1 है, 1 लिख दिया, सैकड़ा भी 1 है, सैकड़ा भी 1 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, 0, 3, 1.2, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू। और इसको कैसे लिखूँगी, 1, 1, 0.4, ठीक है, क्योंकि दशांश का, टेंथ का मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू है। अब लिखा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो ये हमें कुछ वैल्यू दे रखी है कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखो, जैसे 19.4, 0.3, 10.6, 205.9, ये वैल्यू है, हमें इसमें टेबल में लिखना है। तो मैंने जैसे टेबल बना लिया, तो देखो जो जो वैल्यू है, पॉइंट की वैल्यू दशांश की तरफ ही जाएंगी सारे, ठीक है। तो मैंने लिखा है 4, 9 इकाई है हमारा, 1 क्या हमारा, दहाई, तो इसमें लिख दिया आगे 0। सेकंड वैल्यू 0.3, तो देखो मैंने सब में 0 लिखा है, दशांश में 3 लिख दिया, ठीक है। सी की वैल्यू है 10.6, तो 6, 10 और 0, इतना, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 205.9, तो 9 लिख दिया मैंने, 2, 0 और 5, ठीक है। ये सब पॉइंट की वैल्यू है सारी, पॉइंट के बाद सारी वैल्यू इधर के साइड आती है, राइट हैंड साइड। अब लिखा, निम्न में से प्रत्येक का दशमलव रूप में लिखो। अब देखो बच्चा, हमें ना राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डेसिमल, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है कि कैसे होगा। जैसे इन्होंने लिखा 7/10,
और 10 दशांश, मतलब 7 अपॉन में 10th, दशांश का मतलब 10th का मतलब नीचे 10 है, तो हमने लिखा 7 अपॉन में 10। जब इसको डिवाइड करें, अब देखो डिवाइड करना क्या होता है, 7 अपॉन में 10 लिखा है ना, तो वैल्यू के आगे आ जाता है पॉइंट, ठीक है, तो क्या आएगा 0.7। अगर नीचे 100 होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसा ये होता 100, तो दो के बाद पॉइंट आता तो 7 0 हो अपनी तरफ से फिर 0, तो 0.7, ठीक है। अब लिखा है 210 एंड 910, मतलब 210 है, मतलब 1 इकाई की वैल्यू नहीं है, 2 दहाई है, मतलब 2 के बाद 0 है और 9 दशांश है और 9 अपॉन 10 है, तो 20.9, जैसे हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में करा था। अब लिखा 14.6 इजी है, 14.6, तो 14.6। नेक्स्ट है 100 and 2 ones, 100 लिखा और 2 ones, मतलब 2 लिख दिया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 102। अब लिखा है 600.8, सिंपल सा है, 600.6 लिखो, पॉइंट लिखो, 8 लिखो। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त करो। अब देखो पॉइंट हमें वैल्यू दे रखी है, उनको हमें पॉइंट लिखा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डेसिमल। अब देखो 5 अपॉन में 10, आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.5, ठीक है। ये तो और ही सिंपल है आपके लिए, 3 लिखो, और मैंने बोला जो जिसके नीचे 10 आने लगते हैं वो हमारी पॉइंट के होते हैं, 3.7, आप सिंपल सा लिख सकते हो। आप देखो यहाँ पे 206 और 5, इनको प्लस करा 265 और फिर 0.1, ठीक है। 70.8 सिंपल सा आ गया, 1/10 था, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कैसे करोगे, 70 लिखोगे फिर इसका पॉइंट लगाओगे फिर दोनों को जोड़ के और फिर लिखोगे। 88.10, अब इसको कैसे लिखोगे, एक पॉइंट आ जाएगा, तो 8.8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 42 अपॉन 10, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन था 10 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 40 और 2 42 अपॉन 10, तो इसको क्या लिखेंगे, 4.2। अब है हमारे पास 3/2, क्या है, 3/2, तो अब क्या करोगे बेटा, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 बन जा 2, एक पॉइंट लगाया नीचे 10, 2 × 5 = 10, तो 1.5, ठीक है। सेम आप 2 को 5 से भाग करो, 2 को 5 से भाग करेंगे तो 0 पीछे लग जाएगा और 5 × 20, तो 0.4। 12.5 है, इसको डिवाइड करा हमने, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 40, तो यहाँ आ गया 2.4। अभी देखो यहाँ पे 5 × 3 = 15, 15 और 3 = 18, 18/5 है, तो मैं क्या करूँगी, 5 को 18 से डिवाइड करूँगी, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30, तो 3.6 इसका आंसर, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, ठीक है। ये हम फोर्थ चैप्टर आई थिंक सेकंड में हम कर चुके थे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बनाना है, कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 8, 8 और 1 = 9, तो 9/2 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5, कितना आ जाएगा, 4.5। डिवाइड करने का तरीका देख लो, पहले 2 × 4 = 8, 1 आ गया और कुछ वैल्यू नहीं थी, हमने पॉइंट लगा, अब हम 0 लगा सकते हैं और 2 × 5 = 10, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म। आप देखो हमें क्या बोला, निम्न दशमलव संख्याओं को निम्न रूप में बदलकर न्यूनतम रूप में बदली। तो देखो करना क्या है, जितने पॉइंट है उतने जीरो नीचे, जैसे 0.6 है तो 6/10 लिखेंगे, इसको 2 से काट दें, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, आंसर आएगा 2/5। नेक्स्ट है 2.5 का जीरो नीचे आएगा, 5 से काट दें, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, उसके बाद है 1.0, तो 1.0 को हम 10 कर ले, 10 × 10 = 10, ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट है 3.8, तो पॉइंट का नीचे आ जाएगा 10, 2 से काट दे, 2 × 5 = 10 और 19, तो 19/5। नेक्स्ट है 13.7, तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, इसको काट नहीं सकते इसलिए ऐसे ही रहेगा। 21.2, इसका ही पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, 2 से काट दे, 2 × 5 = 10 और ऊपर 106, तो 106 इसका आंसर आ जाएगा। 6.4 है, तो 6.4 में क्या करेंगे, पॉइंट 10 नीचे आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 32.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट टर्म है, मतलब जो कटता है तो उसको काट दो। अब बोल रहे हैं सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न दशमलव रूप में लिखो। अब अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर कैसे चेंज करना है, कि एक सेंटीमीटर में हमारे पास 100 mm होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमें 2 mm को सेंटीमीटर बनाना है, तो सबसे पहले 1 mm में देखते हैं कितने, 1 mm में कितने होते हैं, 1/10। अब आपको याद रखना है, अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से, ठीक है। दोबारा सुन लो, अगर आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो तो उसको 1/10 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई।
तो हमने क्या कर, दो को निकाला है तो एक एक में पता चल गया 1/10 होते हैं, तो दो में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दें, तो दो एक कम 2/10, तो इसको आपको पॉइंट लगाना आता ही है 0.2। ठीक है, सेम 30 को करना था तो एक में 1/10, तो 30 में कितने हो जाएंगे, 0 से 0 कट गया, आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 116 mm को करना था तो 1 mm में 1/10 होते हैं, तो 116 में कितने होंगे 1/10, 116, तो देखो पॉइंट 116/10, तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर 2 mm, देखो 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको चेंज नहीं करना, मिलीमीटर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 2/10 इसका आंसर आ जाएगा 0.2, 4 में इसको प्लस कर दो 42.2, सो 4.2। सेम 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर, तो 11 का हम 11 लिखेंगे, 52 को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद हमें पता है 5 और 2, अगर कहीं पे भी लिखा है ना जो पॉइंट अगर नीचे 10 आ रहा है तो वैल्यू सेम लिख के नीचे पॉइंट लगा 5 2 लिख दो। ठीक है, 88 mm बोल रहा है तो 1/10 और 80, तो 88/10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7, लिखा संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो देखो लिखा है बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाइन विच ऑफ द दीज होल नंबर एज द नियरेस्ट द नंबर। अब देखो हमें एक नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है, अब बोल रहे हैं 0.8 किसके बीच में है और किसके नज़दीक है, तो 0.8 की जब हम बात करेंगे तो 0.8 किसके पास है, तो ये किसके पास होता है 0.8 हमारा 1 और 0 के बीच आएगा, तो क्या लिखना है फ्रॉम 0 to 1, मतलब किसके बीच में है 0 to 1 और किसके नज़दीक है 1 के। ठीक है, तो 0.8 0 और 1 के बीच है और किसके पास है 1 के पास है। ठीक है, अब 5.15 के बाद स्टार्ट होगा, तो किसके बीच है 5 और 6 के बीच है और किसके नज़दीक है 5 के, अगर 5.9 होता तो हम इसको लिखते 6 के नज़दीक है। ठीक है, क्योंकि 5.9 के बाद 6 आ जाता है, तो 5.1 5 और 6 के बीच है और किसके पास है 5 के पास है। 2.6 देखो किसके पास है 2 और 3 के पास है और किसके नज़दीक है 3 के पास, किसके नज़दीक है 3 के पास। सेम 6.4 किसके बीच में है 6 और 7 के और किसके नज़दीक है 6 के, ठीक है, किसके नज़दीक है 6 के। 9.0 किसके नज़दीक है 9 और 10 के, ठीक है, 9 और 10 के बीच में है और 9 के नज़दीक है। सेम 4.9 4 और 5 के बीच में है, देखो 4.9 पड़ेगा और किसके बीच है, इसके बाद 5 आ जाएगा, तो ये 5 के ज़्यादा नज़दीक है। अब लिखा निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ, मतलब शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो हमने क्या करा है, एक नंबर लाइन ली मैंने, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, अब इनके बीच में 10-10 का गैप है, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 0.3 ऐसे करते करते जब 0.10 लिखते हैं तो उसको 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, क्योंकि देखो 0.10 लिख के इसके नीचे हम दोबारा 10 लिखें 10 से हमारा 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाता है हमारा आंसर, तो 0.2 बताना, तो 0 के बाद 1 और 2, ठीक है, तो 0.2 हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा। 1.9, तो 1 के पास जाके 1.9 है ना, तो 1 के पास जाके हमारा आएगा 1.9, मतलब जहाँ 2 ख़त्म हो रहा है तो ये हमारा है 1.9। देखो 1 के पास 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, तो 1.9 यहाँ पर आ गया, 1.1 हमारे 1 के पास आ गया, 2.5 हमारा बीच में आ जाएगा 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब लिखा दो ही संख्या रेखा पर ए बी सी, मतलब एक अब हमें संख्या रेखा दे रखी है उस पर हमें ए बी सी और डी तीनों निकालने हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में लिखा राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी नंबर लाइन। तो देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इनके बीच में 10 का नंबर है, तो हमें पूछ रहे हैं 0.8 एक के पास कौन सा नंबर, ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ से अब हम आए तो ए हमने देखा किस पे है 0.8 पर है, ठीक है, और बी हमने देखा 1.3 पर है, सी देखा हमने 2.2 पर है और डी देखा हमने 2.9 पर है। ठीक है, इनके बीच के नंबर गिन लेने, देखो एक यहाँ पर है 1, 2, 3, तो 1.3 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 10th क्वेश्चन है कि रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर इसकी लंबाई, मतलब द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 मीटर एंड 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द एल इन सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को किस में निकालना है हमें सेंटीमीटर में। तो हमें देखा 1 mm में कितने होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, तो 5 में कितने होंगे 5/10, ठीक है,
तो जैसे हमने पहले करा था 9 को ऐसे लिखना 5/10, तो उसको लिखेंगे 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखा चूने के एक सॉरी चने लिखना था यहाँ पे, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 mm, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ यंग प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर। तो 1 mm में कितने होते हैं 1/10, कितने होते हैं 1/10, 65 में निकालना था 65/10, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा 6.5। ठीक है, तो यहीं पे हमारी 8.1 फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।